लेकिन आप फोकस करते हैं तिमाही नतीजों पर। आरपीजी लाइफ ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। इस तिमाही कंपनी का मुनाफा 14% बढ़ा है, हालांकि कुल आय में 1% की हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन में करीब 4% का उछाल भी दिखा है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD युगल सिकरी जुड़ गए हैं। मिस्टर युगल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। नतीजे मार्जिन और प्रॉफिट के लिहाज से अच्छे रहे हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन बिक्री के फ्रंट पर जो हल्की सी बिकवाली हाथ लगी है, ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है? हाँ, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। जो आपने सेल्स में जो थोड़ी गिरावट देखी है, वो लार्जली मार्केट फैक्टर है। पूरी फार्मास्यूटिकल मार्केट का अगर आप H1 में फर्स्ट हाफ में देखें तो डीग्रोथ है, और ये कोविड सिचुएशन को देखते हुए है। आपको ज्ञात है कि अभी भी सारे क्लिनिक्स नहीं खुले हैं, अभी भी OPD जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनमें पेशेंट फुटफॉल बहुत कम है, और जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स का मिलना होता था या डॉक्टर्स और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना होता था, उसमें भी अभी उतना नहीं आ पाया जो कोविड से पहले था। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मार्केट में भी डीग्रोथ है और हमारा भी डीग्रोथ उसी हिसाब से है। एक्चुअली देखा जाए तो जिन जिन कैटेगरीज में हम हैं, उन कैटेगरीज में हमारी RPG लाइसेंसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी उछाल मार्केट की उछाल से बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि जो ही मार्केट ऊपर बढ़ेगी, जैसा मैं सोचता हूं कि, और जैसा मैंने पिछली बार भी डिस्कशन बताया था कि हमारी ग्रोथ मार्केट की ग्रोथ से ज्यादा ही रहनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और अभी भी जो रिजल्ट्स रेवेन्यू को देखते हुए आए हैं वो भी यही इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल सर, हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है मार्केट ग्रोथ के मुकाबले बेहतर रहे, और जिस तरह से आप कह रहे हैं सेगमेंट वाइज अच्छा प्रदर्शन, आगे भी ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहे। मार्जिन्स के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है, कितने सस्टेनेबल है ये, साथ ही वॉल्यूम्स ग्रोथ पर आपका नजरिया क्या है? एज फार एज जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, जो भी हमारी मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है या जो भी हमारा प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हुआ है, ये अगर आप हमारे पिछले 7-8 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखेंगे तो ये निरंतर कंसिस्टेंट है। और इसके भी कारण है, ये किस वजह से इसकी ये मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, वो 2-3 फैक्टर्स हैं। एक है कि हमारा फोकस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स पर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, हमारा ओपेक्स रिडक्शन, ओपेक्स जो हमारे खर्चे हैं उन पर हमारा नियंत्रण है। तीसरा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हालांकि पुराने हैं मगर उनके कॉस्ट ऑफ गुड्स के रिडक्शन पर हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और उनसे भी हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम हो रहा है। और चौथा, जो नॉर्मली फार्मा कंपनी में लीकेजेस होते हैं, एक्सपायरीज होती हैं, सेल्स रिडक्शंस होते हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ जाती हैं, तो उसको हम सेल्स हेल्थ या हाइजीन के नाम से बोलते हैं, उन सब एस्पेक्ट्स में भी हमारा कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट है। उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो सस्टेन होने चाहिए। केवल एक है, एक फैक्टर है, वो है प्रोडक्ट मिक्स का। वो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज होता है, वही एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जिससे कि थोड़ा मार्जिन में फर्क पड़ सकता है, मगर बाकी जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए वो सस्टेनेबल है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारे मार्जिन्स सस्टेनेबल रहेंगे। ऑलराइट, ग्रोथ गाइडेंस पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, Q3 FY21 यानी कि आने वाली तिमाही, साथ ही पूरे साल के लिए आपकी रेवेन्यूज और मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ गाइडेंस क्या है, बताएं सर। हाँ, वो जो आपने प्रश्न पूछा वो आपके हिसाब से बहुत वेल प्लेस्ड है, मगर मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा मुझे आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताना पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो एक्यूट ज्यादा है और क्रॉनिक कम है, और अगर कोविड के जो पिछला 6 महीने गुजरे हैं उसमें मंदी जो डीग्रोथ आई है वो एक्यूट पोर्टफोलियो की आई है। तो अगर एक्यूट पोर्टफोलियो इंप्रूव हुआ
तो हमारा हमारी ग्रोथ भी उसी हिसाब से इंप्रूव होगी। तो मैं आपको इसीलिए नहीं बता पाऊंगा बिकॉज कि एक्यूट पोर्टफोलियो की जो रिकवरी है वो काफी स्लो हो रही है, और वो जो ही बढ़ेगी हमारा भी एक्यूट पोर्टफोलियो काफी है और उससे हमारा भी ग्रोथ बढ़ेगा। दूसरा मैं केवल ये बता सकता हूँ कि हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले हाफ ईयरली में, वो मार्केट से ज्यादा रहनी चाहिए। हमारा प्रयास है कि हमारा क्रॉनिक पोर्टफोलियो का अनुपात बढ़े और एक्यूट पोर्टफोलियो का कम हो, इसीलिए हमने क्रॉनिक पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, हमने एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। हमारा फोकस इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी पर है जिसमें कि लोग दवाइयां काफी लंबी अवधि तक लेते हैं, और हम नए प्रोडक्ट भी उधर ही उसी में ही लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा जो क्रॉनिक पोर्टफोलियो का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ेगा और उससे हमारे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। एज फार एज दी रेवेन्यू जो कंसर्न है नेक्स्ट आने वाले तिमाही के और हाफ ईयरली के, वो एक्यूट सेगमेंट की रिकवरी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ग्रोथ मार्केट से ज्यादा रहेगी, पिछले 6 महीने में भी एक्यूट पोर्टफोलियो की डीग्रोथ जो मार्केट में हुई है उससे हमारी ग्रोथ ज्यादा है। वही मैं एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कि पोर्टफोलियो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। मार्जिन्स मैंने जैसे आपको बताया, शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब। जी हाँ जी जी सर कंटिन्यू कीजिए। जो आप मार्जिन से प्रॉफिट का आपने मेरे से प्रश्न पूछा था, वो जहां तक मुझे लगता है कि बाकी जो 3 फैक्टर्स हमारे चल रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं वो सस्टेनेबल हैं। प्रोडक्ट मिक्स को खाली एक एक इश्यू है, तो मार्जिन मुझे लगता है कि सस्टेनेबल रहने चाहिए। ये मैं आपको आने वाले क्वार्टर या आने वाले हाफ ईयर के बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आरपीजी लाइफ के मैनेजमेंट विस्तार से अपने कारोबार विस्तार के प्लान्स हमें बता रहे थे चंदन जी। आरपीजी लाइफ नतीजे आए, मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर तेजी जरूर देखने को मिली, हालांकि आय में हल्की सी बिकवाली भी रही। आरपीजी लाइफ एक बार आप अपना व्यू बताएं, आज करीब 2% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं। जी देखिए ओवरऑल पिछले लगभग 6 वीक से काउंटर ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है, 429 से लेके अब लगभग 340-342 के आसपास आ चुका है। बट आप देखोगे इसमें 326-328 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। सितंबर में उन्हीं लेवल को टेस्ट करके और वहां से लगभग इस काउंटर ने 25-30% की रैली देखी थी, तो मेरे हिसाब से कोई डिप आता है तो 325 के सपोर्ट से लेना चाहिए, वापस 370-375 तक के बाउंस काउंटर में बन सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए ये है नतीजों के साथ ही स्टॉक पर आउटलुक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे दिवाली पर हमारी खास पेशकश यानी कि ब्रोकरेज पिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें।